हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सुमन गुप्ता, न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल चाबर से। बच्चों, आज हम ग्रामर का, व्याकरण का पार्ट 9 सर्वनाम पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हर चीज़ का, मैंने आपको बताया था, हर किसी ना किसी चीज़ का, हर चीज़ का एक नाम होता है ना। जैसे हमारे शहर का नाम क्या है? झाबुआ। हमारे स्कूल का नाम है न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ। मैम का नाम है सुमन, है ना। किताब है, इसका नाम बुक, किताब, है ना। तो अब हम इन नामों के बदले में कभी कभी कुछ दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट 9 सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? बच्चों, आप मेरे साथ रीड भी करेंगे और समझेंगे भी। बच्चों, सबके अपने अपने नाम होते हैं, किंतु कभी कभी हम उन नामों यानी संज्ञा के स्थान पर दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी आपको मैंने बताया था, सबके अपने अपने नाम होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? संज्ञा। और जब हम इन नामों के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर कोई अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे माँ, आप क्या कर रही हो? अब आप किसके लिए बोला है? मम्मी के लिए, ठीक है। माँ, आप क्या कर रही हो? माँ का नाम नहीं बोला है ना, आप क्या कर रही हो? माँ कहती है, मैं खाना बना रही हूँ। ये कौन बोला है? माँ, मैं खाना बना रही हूँ। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अब माँ बच्चों से पूछिए, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? माँ स्कूल, सॉरी, हम स्कूल जा रहे हैं। हम स्कूल जा रहे हैं। बच्चे क्या बोले? हम। दो हैं तो इसलिए क्या बोला? हम, ठीक है। उपरोक्त बातचीत में नामों के स्थान पर आप, मैं, तुम तथा हम शब्दों का प्रयोग किया गया है। किसका? माँ का नाम नहीं लिया है, बच्चों का नाम नहीं लिया है, अपने लिए नाम नहीं लिया है, तो इसके लिए क्या प्रयोग किया गया है? आप, मैं, तुम, हम, ठीक है। नामों के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। फिर से बोलो, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। तो सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होता है? संज्ञा शब्दों के स्थान पर, ठीक है। कभी कभी हम नाम नहीं लेते, तुम क्या कर रहे हो? जैसे कोई बच्चा है, हम उसको क्या बोलते हैं? नाम ना लेकर क्या बोलते हैं? तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए, यानी हमको अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? मैं, मैंने, मुझे, मेरी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब कोई बात हमें अपने लिए कहनी होती है, जैसे मैं सुमन गुप्ता, मैं हिंदी टीचर्स हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अपना नाम ना लेके मैं बोला अपने लिए। मैं पढ़ रहा हूँ, तो बच्चा क्या बोला? अपना नाम नहीं ले रहा है, क्या कह रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने खाना खा लिया। मुझे मेरी कॉपी दे दो, मुझे मेरी कॉपी दे दो। दूसरों के लिए, अब हम किसी दूसरों के लिए क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? दूसरों के लिए तुम और आपका प्रयोग किया जाता है। जैसे पहले हमने पढ़ा था ना, आप क्या कर रहे हो, तुमने खाना खा लिया, तुम क्या कर रहे हो, इस तरह का प्रयोग करते हैं ना दूसरों के लिए। तुम समय पर स्कूल जाया करो। माँ बोलिए बच्चों को, किसको? बच्चे को, तुम समय पर स्कूल जाया करो। इसी तरह से आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो? बच्चा पूछे ना,
तो दूसरों के लिए हम क्या लगाते हैं, तुम और आप, ठीक है। दूसरों के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तुम और आप। तुम के लिए तुम्हारा, तुमने और तुम्हें का भी प्रयोग होता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुमने अपना काम कर लिया, तुम्हें पुस्तक चाहिए या नहीं, पास की वस्तु के लिए यह और दूर की वस्तु के लिए वह शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे सर्वनाम में यह और वह शब्द का भी प्रयोग किया जाता है ना। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना दिस एंड डैट, इसी तरह से इंग्लिश में यह और वह शब्द का प्रयोग होता है। जैसे यह मोर सुंदर है, क्योंकि ये पास में है इसलिए हमने क्या शब्द का प्रयोग किया, यह है ना। इसी तरह से यहां पर वह फुटबॉल खेल रहा है, वह फुटबॉल खेल रहा है तो वो बच्चों से दूर है इसलिए किसका प्रयोग किया है, वह का। ओके, इस प्रकार कुछ सर्वनाम शब्द हैं, मैं, तुम, मेरी, मुझे, मैंने, यह, वह, मेरा, उसका, हमारा, तुम्हारा, तुमने, आपने, आदि। तो ये शब्द क्या है, सर्वनाम। कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर या किसी के नाम के स्थान पर हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। आओ पाठ दोहराएं, आओ पाठ दोहराएं। हमने अभी पाठ में क्या क्या पढ़ा उसके बारे में हम दोबारा से रिपीट करेंगे। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। एक बार फिर से, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अपने लिए मैं, मैंने, मुझे, मेरी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरों के लिए तुम और आपका प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, पास की वस्तु के लिए यह तथा दूर की वस्तु के लिए वह शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो समझ आ गया बच्चों, हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, अब हम इस पार्ट की क्या करेंगे, एक्सरसाइज, पार्ट 9 की सर्वनाम की एक्सरसाइज। प्रश्न नंबर 1, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। आपको सही का निशान लगाना है, क्या करना है, सही का निशान लगाना है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द कहलाते हैं। अब क्या कहलाते हैं, अभी हमने पढ़ा था वचन या सर्वनाम, क्या कहलाएगा, सर्वनाम, क्या कहलाएगा, सर्वनाम। नेक्स्ट, सर्वनाम शब्द कौन सा है, सर्वनाम शब्द कौन सा है, उन्होंने या गेन, क्या आएगा, उन्होंने। गेन क्या है, वस्तु, और वस्तु संज्ञा है, ये क्या है, संज्ञा, ठीक है। गेन तो किसी का नाम है ना, और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं, तो उन्होंने शब्द क्या है, सर्वनाम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, सर्वनाम शब्दों पर गोला बनाइए, सर्वनाम शब्दों पर गोला बनाइए। यहाँ पर जैसे हमारा सामान चोरी हो गया, तो हमारा शब्द क्या है, सर्वनाम, सर्वनाम पे गोला लगाएंगे। इसी तरह से वे फुटबॉल खेलते हैं, तो वे शब्द क्या है, सर्वनाम। ओके, इसलिए सर्वनाम पर गोला लगाएंगे। वह एक सुंदर पार्क है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था दूर की चीज के लिए हम वह शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वह एक सुंदर पार्क है, तो वह शब्द क्या है, सर्वनाम। तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तो तुम शब्द क्या है, सर्वनाम, तो सर्वनाम पे गोला लगाएंगे। मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ,